पद्मा नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोतर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्मा नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोतर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि कर अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजुग प्रणाम। हरे कृष्ण। आज से एक विशेष तिथि प्रारंभ हो रही है, जिस तिथि का नाम श्री पुरुषोत्तम महीना है। ये जो पुरुषोत्तम मास है, कहते इसको कुछ लोग मल मास कहते हैं, फिर उसको कहीं अधिक मास कहा जाता है, कहीं इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। कहते जो अधिक महीना है, कहते ये साल में ये 3 साल के बाद में एक बार ये व्रत आता है। हर महीना से कुछ दिन अधिक होते 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 वो एक महीना ज्यादा हो जाता है। ज्यादा होने पर इसलिए लोग इसको मल मास, मल मतलब हर महीना से कुछ समय बचते 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 जो ज्यादा हो जाता है इसको मल मास कहते हैं। और स्वाभाविक रूप में ये मल मास आने पर लोग क्या करते हैं, इसी महीना में कोई शादी विवाह गृह प्रवेश कोई शुभ काम नहीं करते। जब नहीं करते, हर महीना की एक एक अधिष्ठात्री देवता है। अभी इसी महीना की जो अधिष्ठात्री देवता बड़े दुखी हो गए, वैसे ही मैं आता हूँ 3 साल के बाद में, फिर आने पर लोग मेरे को मलमास 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 कहते, फिर कोई शुभ काम करते नहीं। एक दिन वो बड़ा दुखी हो गया। दुखी होकर के भगवान श्री विष्णु के पास में गए, बोले प्रभु मेरे को जगत में क्यों सृष्टि किया, इससे अच्छा तो मेरे को जान से खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि 3 साल के बाद में आओ फिर मलमास मलमास, फिर कोई अच्छे काम करे नहीं, ये कोई जीवन है। बोले कोई चिंता मत करो, चलो हम तुमको लेकर के श्री भगवान श्री कृष्णों के पास में चलते हैं। जब उनको लेकर कृष्णों के पास में गए, जब उन्होंने भगवान की दिव्य धाम को देखा, भगवान की धाम कैसे हैं, बोले चिंता मणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष लख्या वृत सुसुर अभीर अभिपालयंतम लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदंग मादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान का धाम दिव्य धाम है, जिसको देख करके आँख चकाचौंध हो गया। जहाँ पर चिंतामणि वृक्ष कल्प वृक्ष गाभी सबके सब सुरभि गाभी है, और सबके सब वहाँ कथा गानम जो कथा बोलते लगता है कोई सुंदर गान कर रहे हैं, कोई चलता है लगता है जैसे कोई नृत्य करता है। दिव्य धाम को देख करके चकाचौंध हो गया। तब उन्होंने भगवान की शरण में बोले प्रभु मैं आपका शरण में आया हूँ। जब भगवान की शरण में गए, भगवान का ठीक है कोई बात नहीं, हम तुमको अपना शरण में देते हो। जब कोई व्यक्ति भगवान की शरण में चला जाता है क्या होता है, भगवान कहते हैं अगर एक बार कोई मेरे को बोल दे है सकृत एव प्रपन्ना जस्तवाम स्मितत जाचते अभयम सर्वदा तस्मै ददाम एतत् प्रथमम्। भगवान की शरण में जाने पर भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कभी उसका विनाश नहीं, मैं तुमको अभय प्रदान करता हूँ चूंकि तुम मेरे शरण में आए हो। आज से जैसे मेरा नाम श्री पुरुषोत्तम है, ऐसे तुम्हारे नाम भी ये पुरुषोत्तम व्रत नाम जगत में प्रसिद्ध होगा। अगर इसी महीना में साधारण लोग तो कोई पुण्य काम करेंगे नहीं, लेकिन जो भक्त लोग हैं प्रसन्न हो जाएंगे। बोले क्यों प्रसन्न होंगे, भक्तों को क्या लगता है, भक्तों को लगता है हमें समय में नहीं मिलता भगवान की भजन करने के लिए, कब सूर्य उदय होता है कब अस्त होता है पता ही नहीं चलता है। इसलिए कहते भक्त लोग क्या करते हैं, बोले क्षांति अभ्यर्थ कालतम विरक्ति मान शून्यता। भक्त लोग चाहते हैं हमें ज्यादा से ज्यादा समय मिले, हम क्या करें, भगवान का नाम कीर्तन भजन पूजा पाठ करें। किसी किसी को कहते समय कैसे बीतेगा पता ही नहीं चलता है, लेकिन भक्त लोग क्या कहते हैं हमारे समय कब बीत जाता है हमें पता ही नहीं, ये तो घड़ी नहीं जैसे घोड़ा है, हाँ ये घड़ी नहीं जैसे घोड़ा जैसे भागता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय मिले तो प्रभु की भजन करना चाहते हैं।
इसलिए कहते जो भक्त लोग है, अगर तुम जब आओगे ना, भक्त लोग बड़े ही प्रसन्न होंगे। प्रसन्न होकर के इसी महीना में क्या करेंगे, एक्स्ट्रा समय मिल गया वो ज्यादा से ज्यादा भगवान की भजन करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तुमको बड़े आदर करेंगे। अब भगवान ने वरदान दिया, अगर इसी महीना में थोड़ी सी कोई भगवान की कीर्तन करे, भगवान की कथा सुने, संतों को कुछ दान दे, इसी महीना में अगर थोड़ी सी कोई सत्कर्म करता है, उसका 1000 गुण उसको फल प्राप्त होगा। इसलिए भगवान ने उसको स्वीकार किया, करने का वजह से इसी महीना का नाम पड़ गया श्री पुरुषोत्तम मास पड़ गया। और विशेष करके इसी महीना में श्री जगन्नाथपुरी को क्या कहते हैं, पुरुषोत्तम क्षेत्र। और जगन्नाथ जी का नाम क्या, बोले श्री पुरुषोत्तम है, श्री पुरुषोत्तम धाम, पुरुषोत्तम ठाकुर का नाम, राजा भी पुरुषोत्तम, धाम भी पुरुषोत्तम, सब कुछ उसका नाम पुरुषोत्तम है। इसलिए इसी महीना में, इसलिए श्री पुरुषोत्तम धाम में जा करके उनको भक्ति करने का, उनकी कथा सुनने का, धाम को परिक्रमा करने का, इसका विशेष विशेष महत्व है इसी धाम में जाने का। इसलिए हम लोग भी इसी महीना में, महीना की लास्ट में हम लोग भी श्री पुरुषोत्तम धाम में जा रहे हैं। 11 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक वहाँ पुरुषोत्तम धाम में हम लोग रहेंगे। और पुरुषोत्तम क्षेत्र की जैसे ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं, पुरुषोत्तम क्षेत्र का परिक्रमा करेंगे। जो आना चाहते हैं आप लोग को स्वागत है, क्योंकि गुरुदेव रहते समय भी श्री पुरुषोत्तम धाम में जाते थे और रह करके वहीं पर कीर्तन पाठ, राय रामानंद संवाद और बड़ी सुंदर सुंदर वहाँ की कथा भी श्रवण करते थे। और विशेष करके जो तृतीया युग का ठाकुर कौन है, भगवान भगवान राम है। बोले द्वापर युग का भगवान कौन, बोले भगवान कृष्ण। बोले सत्य युग का भगवान कौन, बोले नारायण मत्स्य कुर्म बराह। कहते विशेष कर कली युग का ठाकुर कौन है, बोले कली युग का ठाकुर श्री जगन्नाथ जी। क्योंकि श्री नारद जी जगन्नाथ जी से प्रार्थना की, बोले प्रभु आप कली युग में श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में रह करके सभी को दर्शन प्रसाद देकर सबका जीवन का धन्य करना। इसलिए नारद जी को जो वर को सार्थकता करने के लिए जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी रूप में दर्शन देते हैं। अब विशेष करके कलि युग में ठाकुर तो श्री जगन्नाथ जी है, वही जगन्नाथ जी अचल जगन्नाथ। लेकिन कलि युग में भगवान दया करके फिर सचल जगन्नाथ रूप में आए। बोले वो कौन है, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि रूप में आए। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की है। इसलिए इसी महीना में कहते ये जो कथा है, कहते ये बृहद नारद पुराण में कहते ये कथा को वहां सुनाई गई। कहते सुखदेव, कहते भगवान स्वयं नारद जी को सुनाए ये कथा। कहते बाद में यही कथा श्री सुखदेव गोस्वामी, श्री सुतो गोस्वामी को सुनाए, सुतो गोस्वामी फिर श्री सौनक आदि को सुनाए। और यही कथा श्री शंकर जी कहते पार्वती को भी अधिक महीना के बारे में वो भी कथा सुनाए। इसका मतलब है कहते एक समय माता पार्वती कहते कैलाश में शंकर जी से प्रश्न कर रही है, बोले प्रभु ये जो पुरुषोत्तम धाम की महीना को हम किस रूप में पालन करनी चाहिए। इसका मतलब है जिस व्रत को स्वयं पार्वती और शंकर भी जिस व्रत को पालना करते थे, तो वहां पर शंकर जी कहते पार्वती इसी महीना की जो व्रत है जो करते हैं तो वो बड़े सौभाग्यवान है, लेकिन ये व्रत की कथा भी जो सुनते हैं ना पार्वती वो भी कम सौभाग्यवान है, वो भी बड़े सौभाग्यवान है जो ये कथा को श्रवण करते हैं, इतने महिमा ये कथा की। इसलिए कहते इसी कथा में कुछ श्लोक है, हम कोशिश करते हैं उस श्लोक को पढ़ने के लिए। कहते पार्व कहते कादनम, बोले ना सक्यम किश्चित देव अस्तिदानम पुरुषोत्तमे व्रत पुण्यम विधिम कर्त्वा अर्पणे छंदसी कोचित। शंकर जी कहते हैं पार्वती ये महीना में विशेष करके कलयुग में जो धर्म रह गया दान, कहते अगर इसी महीना में आप देखे होंगे लोग बहुत कुछ दान करते हैं अलग अलग जगह, कोई भोजन दान करते हैं, कोई वस्त्र दान करते हैं, सबके सब अलग अलग जगह पर अलग अलग दान करते हैं। शंकर जी कहते हैं पार्वती इसी महीना में अगर कोई कुछ दान करता है, कहते ये महीना की दान की इतने महत्व है,
कहते वेद भी जिसका महिमा को बाखर नहीं कर सकता है, इसी महीना में अगर थोड़ी सी कुछ भक्तों को वैष्णवों को कुछ दान करे तो। और जगत में सबसे बड़े दान जो भगवान की कथा की दान, जगत में बहुत बड़ा दान है। बल जत जत दानम गिरिम सुत ही उत्तपम परिकीर्तितम श्री कृष्ण बल्लभ मासी तत्सर्वम गौणताम गतम। कहते ये मास का नाम तो एक पुरुषोत्तम मास है, लेकिन ये मास का और एक नाम भी कहते हैं श्री कृष्ण बल्लभ मासी, जो कृष्ण की बल्लभ मतलब कृष्ण की अत्यंत प्रिय ये मास है। ये बोले जद दानम गिरिम सुतम ही, गिरिसुत कौन है? कहते श्री पार्वती। बोले पार्वती इसी महीना में जो दान करते हैं बोले उत्तमम परिकीर्तितम, वो दान को बड़े उत्तम दान मानी जाती हैं। बोले तत्सर्वम गौणताम गतम, कहते जगत में इसी महीना में जो कुछ दान करते हैं दूसरे दूसरे महीना में जो दान से भी श्रेष्ठ दान है, और जितने सब दान सबके सब उसको सामने फीकी पड़ जाते हैं। तस्मात एतान दृश्य दानम नबास्ति कोपी सुंदरी जनते व्रत संपूर्ति भवत श्री पुरुषोत्तम। कहते ये पुरुषोत्तम महीना में जो दान है इसका बड़ा सुंदर दान है। नैवास्ति कोपी सुंदरी मतलब है सुंदरी पार्वती, इसी महीना में दान करने का जो महिमा है, कहते इसको साथ में और किसी महीना में दान करने का महिमा को तुम बराबर नहीं कर सकते हो, इसलिए इसी महीना में दान की बड़ी महिमा शंकर जी पार्वती को कहते हैं। इसलिए इसी महीना में हम क्या करनी चाहिए, कुछ नियम को साथ में, इसलिए इसका एक नाम तो नियम सेवा, जैसे कार्तिक महीना को नियम सेवा मानते हैं, कहते इसी महीना में भी जैसे कार्तिक महीना में जो नियम को पालन करते हैं इसी महीना में वही नियम को पालन करनी चाहिए। जैसे परवल घिया लौकी टमाटर ये सब चीज़ को नहीं खानी चाहिए हैं। अब विशेष करके इसी महीना में जैसे सरसों और सरसों का जो तेल है इसको नहीं खानी चाहिए। इसी महीना में जैसे मूंगफली और जो घी है इसी से ही हमें रसोई जो बनाए इसी से ही हम रसोई बनाए, और सीम बरबटी सोयाबीन ये सब चीज़ को एक महीना के लिए इसको वर्जित करनी चाहिए। ये कोशिश करनी चाहिए जैसे सीधा साधा रूप में जीवों को निर्वाह करे और ज़्यादा से ज़्यादा इस जीवन में भगवान के भजन करें। कहते इसी महीना में कुछ नियम पालन करने चाहिए। पहला नियम क्या है? कहते ब्रह्म मुहूर्त में जगना, ब्रह्म मुहूर्त में जगनी चाहिए है, इसलिए इसी महीना में ज़्यादा से ज़्यादा भजन करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके जैसे अपना स्नान दान करके तिलक लगाओ, अपना गुरु मंत्र को जप करो और ठाकुर जी का मंगल आरती दर्शन कर, ये पहला नियम। बोले दूसरा नियम क्या है? हम जितने हरि नाम करते हैं इसी महीना में कोशिश करनी चाहिए और थोड़ी सी ज़्यादा हरि नाम करने के लिए, ज़्यादा संख्या को थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा दो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम से भगवान पुरुषोत्तम स्वयं बोले इसी महीना में अगर थोड़ी सी कोई भक्ति करता है उसको प्रति में बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ। संख्या नाम को थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए। और इसी महीना में जैसे कीर्तन है, हम रोज़ रोज़ सवेरे जैसे कीर्तन करते हैं, ये रोज़ को रोज़ कीर्तन करो सब बैठ करके, जैसे नियम महीना में कीर्तन करते हैं, और विशेष करके जो अष्टक सती सुत अष्टक में जैसे जमुना अष्टक सड़ग स्वामी अष्टक और नवनीत चोरी सौराग्रगण्य अष्टकम, ये जो अष्टकम विशेष करके जैसे अधिक महीना में गाते हैं इसी महीना में गा करके दामोदर अष्टकम ये सब अष्टकों को इसी महीना में विशेष करके गान करनी चाहिए। कहते इसका जो और विशेष करके जगन्नाथ जी का अष्टक, क्योंकि ये महीना का नाम श्री पुरुषोत्तम मास है और जगन्नाथ जी पुरुषोत्तम है, इसलिए क्या करनी चाहिए इसी महीना में जगन्नाथ जी को अष्टक को रोज रोज गानी चाहिए। चौदह नंबर है, कहते जो गीता है जो 15 अध्याय उसको पुरुषोत्तम योग कहते हैं, कहते इसी महीना में 15 अध्याय को पढ़ने का भी बड़ा महत्व है। कहते पंचमा जो नियम है, हाँ पंचमा जो नियम है, कहते जो भागवत का जो ब्रह्म स्तुति है
कहते ये ब्रह्म स्तुति, क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति ब्रह्मा जी ने किया है, कहते वो ब्रह्म स्तुति का गान जो 14 अध्याय ब्रह्म स्तुति गान का भी इसी महीना में विशेष महिमा बताए। और छठवा जो महीना महिमा है क्या करनी चाहिए, कितना सिंपल थिंकिंग हाई, सिंपल सिंपल लिविंग हाई लिविंग हाई थिंकिंग। इसलिए इसी महीना में जैसे बोलते हैं परवल नहीं खाओ, घिया मत खाओ, ये चीज मत खाओ, इस कारण ने किया। बोले कारण है हम जितने जितने बढ़िया बढ़िया चीज खाएंगे ना हमको उतना पैसा कमाना पड़ेगा, और उसके लिए ज्यादा रसोई बनाओ, उसके लिए दिन भर लगे रहो। इसलिए क्या करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा समय को बचा करके इस महीना में हरि नाम कीर्तन कथा ये सब चीज को हमें नियम से पालना करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा समय को भगवान के भजन में लगाओ, और आहार विहार को थोड़ी सी कम कर दो। भोजन कम भजन ज्यादा। और जो सप्तमा जो नियम है, कहते इस महीना में ब्रह्मचर्य को पालन करनी चाहिए। हाँ, ब्रह्मचर्य को पालन करने के करके अपना जो व्यवहारिक जो हम जो समय ज्यादा लगाते हैं, ये भाई बंधु सारा दुनिया इसी महीना में जो, इसको थोड़ी सी कम कर दो, इसको थोड़ी सी कम कर दो। कम करके क्या करो, वो समय को भगवान के भजन में लगा दो। और जो आठवां जो नियम है, इसी महीना में हम जो कुछ करेंगे, एक प्रतिज्ञा करो, कल ये करो, भगवान की भक्ति भगवान की सेवा के बगैर, ये इसी महीना में विशेष करके जैसे नियम सभा पालन करते हैं, उसी तरह संसार की व्यवहार को बहुत ज्यादा कम करके ज्यादा से ज्यादा क्या करो, भगवान के भजन में लगाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और अन्य काम को थोड़ी सी कम और भक्ति को थोड़ा ज्यादा करनी चाहिए। और जो शारीरिक के जो व्यवहार को भी थोड़ी सी कम करके आध्यात्मिक की चिंतन में ज्यादा समय को लगानी चाहिए। हाँ, इसलिए इसी महीना में जैसे कभी कभी हम कुछ नियम लेते हैं ना, हम 1 लाख हरिनाम करेंगे, 12 रोज स्तुति स्तव, कुछ नियम लेते हैं कभी कभी। ये नियम लेकर के ना कभी हम दूसरों को बोलना शुरू, जानते हो हमने क्या किया, हमने इस महीने में इतना भजन किया, इतना ना है वो चीज को, जो जो वस्तुओं को, जो भक्ति को, कहते ना अपना भजन कथा ना कही वे जत तथा। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं अपना भजन की बात दूसरों को नहीं बोल करके, हाँ किसी वैष्णव को पास में बोल सकते हैं, सभी को पास में इसको नहीं बोलनी चाहिए। और इसी महीना में क्या करो, कहते अपना कुछ प्रिय वस्तु को त्याग दो, अपना कुछ प्रिय वस्तु को त्याग दो। प्रिय वस्तु जैसे हम लोग सरिस का तेल, सरिसों को त्याग देते हैं, परवल नहीं खाते हैं, और घिया बैंगन टमाटर हाँ उड़द का दाल ये सब, जैसे ये सब वस्तु को हमको क्या करते हैं, इस चीज को हम लोग त्याग देते हैं। हाँ, और इसी महीना में जो दान देने का, इसी महीना में बहुत महत्व है, भगवान स्वयं कहते ना इसी महीना में थोड़ी सी कोई दान दे उसको ज्यादा फल मिलता है। आप देखो ना वृंदावन में सब जल दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, वहां पर कोई प्रसाद को है? 1 महीना पूरा तक प्रसाद, गिरिराज में जाओगे अलग अलग जगह प्रसाद दान करते हैं वैष्णव को। इसी महीना में कहते जो दान है ये दान देने का बड़ा महत्व है, ये दान जितने दूसरे समय दे तो इसी महीना में थोड़ा ज्यादा करके दान दो। और इसी महीना में किसी धाम में बास करो, किसी धाम में बास करो। अगर धाम में बास कर सकते हो अच्छी बात, अगर धाम में बास नहीं है, भक्त मोहन ठाकुर कहते हैं ना जिस दिन गृह भजन देखे गृह थे बोलो भाई, जिस दिन हम घर में भगवान की सेवा पूजा हरिनाम भक्ति अगर करते हैं वो घर ही भगवान का धाम बन जाता है। इसलिए इसी महीना में कोशिश करनी चाहिए थोड़ी जो नियम पूर्वक कीर्तन पाठ आरती करके और थोड़ी सी हरि कथा ज्यादा सुने, क्योंकि जहाँ हरि कथा कहते प्रभुपाद कहते हैं जहाँ हरि कथा वहीं पर ही तीर्थ है, हाँ पृथ्वी का सारा तीर्थ वहीं पर जहाँ पर हरि की कथा हो। इसलिए क्या करो, ज्यादा हरि की कथा सुनो, हरि का नाम करो। और इसी महीना में जी जी तुलसी प्रभु जी को बुला दो। इसलिए जो तुलसी है इसी महीना में तुलसी की जैसे आरती है, तुलसी का जैसे परिक्रमा है, इसी महीना में तुलसी आरती और परिक्रमा को इसी महीना में नियम करके इस सब चीज को करनी चाहिए। और इसी महीना में जो क्रोध है ना, इसी महीना में ज्यादा क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपना क्रोध काम लोभ ये चीज को क्या करो, इसको इसी महीना में थोड़ी सी कंट्रोल करो क्रोध को। और इसी महीना में
दूसरी की निंदा चर्चा ये चीज को से दूर रहनी चाहिए। अब विशेष करके वैष्णव का जो निंदा है, गुरु अवज्ञा है, ये सब चीज से इसी महीना में थोड़ी सी यहाँ से दूर रहनी चाहिए। और इसी महीना में कर धर्म रक्षति रक्षता, धर्म को जो रक्षा करे धर्म भी उसको रक्षा करता है। जैसे भगवत जैसे गीता कहती, इसी महीना में अगर हम किसको गीता व भागवत दान करते हैं ये बहुत बड़ी दान। जैसे इसी महीना में आप देखना सब अलग अलग जगह पर से भागवत कथा होती है, अलग अलग जगह पर। इसी महीना में भागवत दान का बहुत बड़ा महिमा है, क्योंकि भागवत में सिर्फ पुरुषोत्तम की कथा है, पुरुषोत्तम की कथा है, कहती सबसे बड़ा दान ये कल इसी महीना में भागवत कथा दान करने का। और इसी कल इसी महीना में विशेष करके वैष्णव का सेवा, ज्यादा से ज्यादा वैष्णव का सेवा करो। और इसी महीना में जैसे आप कभी अगर इस महीना में गिरिराज वृंदावन में जाओगे, लोग रात दिन रात आप देखोगे 24 घंटा परिक्रमा लगती रहती है इसी महीना में इतना। लेकिन वृंदावन तो पानी इतना भरा हुआ, फोन कर रहा था, पानी एकदम परिक्रमा मार्ग में पूरा पानी पानी भरा हुआ, वहाँ पर गए लाइट बंद, पानी नहीं आ रहा है, हाँ पानी के लिए तरस रहे सब जगह, इसलिए वृंदावन में। इसलिए इसी महीना में गिरिराज परिक्रमा, वृंदावन परिक्रमा, इसका बड़ा महत्व है, हैं महत्व है। हाँ, और इसी महीना में अपना घर को तुलो सी धाम, इसलिए अगर धाम में जाकर परिक्रमा कर सकते हो अच्छी बात है। अगर घर में मंदिर तुम्हारी है तो जैसे तुलसी परिक्रमा, जैसे ठाकुर को परिक्रमा, अगर धाम में जा सकते हो जाकर परिक्रमा करो, और दूसरे दिन घर में परिक्रमा, ठाकुर मंदिर का भी परिक्रमा, ज्यादा से ज्यादा ये परिक्रमा को करो। क्योंकि मंदिर मार्जन करने से कहते ना, गुंडीचा मंदिर महाप्रभु स्वयं गुंडीचा मंदिर मार्जन किया था। इसी महीना में भगवान की जो मंदिर साफ सुथरा करने का बड़ा महत्व है इसी महीना में, है कहते ना कि राजा था रोज जा करके जो मंदिर साफ करता था। एक व्यक्ति ने देखा ये राजा रोज मंदिर क्यों साफ कर रहा है, उनको पूछा तू राजा होकर ये मंदिर क्यों अपना हाथ साफ कर रहे हो, बोले मेरे को पूर्व जन्म की बात याद, बोले किया, बोले पूर्व जन्म में शूद्र दुष्ट था, एक समय एक वेश्या को लेकर गलत काम करने के लिए मैंने जंगल में गया, मेरे को पता नहीं था ये भगवान विष्णु का कृष्ण मंदिर है, मैंने वो मंदिर को साफ कर गलत काम किया, लेकिन ठाकुर जी इतने दयालु इतने कृपालु है, मेरी गलत चीज को देखा नहीं, मैंने जो मंदिर साफ किया ये चीज को देख करके मेरे को राजा बना दिया। अगर मैंने गलत काम के लिए अगर मंदिर साफ करके इतना फल मिला, अगर भक्ति से अगर रोज भगवान के मंदिर को साफ पोछा लगाऊं ठाकुर हमें क्या नहीं देंगे। मैंने भी देखा जिनका भाग्य फूट गया पूरा जीवन में, कहीं सक्सेसफुल नहीं हुआ, जब वो आकर के मंदिर को साफ करने लग गए ना भगवान मंदिर को, मैंने बहुत लोगों को देखा धीरे धीरे उसका भाग्य भी जग गया। कहते इसी महीना में भगवत मंदिर को साफ सुथरा उसको साफ करने का बड़ा महत्व इसी महीना में। हाँ, स्नान स्नान समय गंगा, और क्या करनी चाहिए इसी महीना में आप देख लेना, कोई गंगा में जाकर कोई यमुना में जाकर के सबके सब अच्छे पवित्र नदी में स्नान करते हैं रोज रोज, हैं रोज नियम स्नान है। अगर आप नहीं जा सकते फिर क्या करो, जैसे स्नान करो एक काम कर लेना, स्नान करते समय जो पानी में स्नान करते हैं ना, जैसे गंगे चाहे यमुने चाहे वो गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधि गुरु, ये मंत्र को पढ़ लो, हाथ लगाकर मंत्र पढ़ लो। ये मंत्र द्वारा क्या होगा, गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु ये सारे तीर्थ उसी पानी में आ जाएंगे। एक तरह से घर में बैठ बैठ कर सारे तीर्थ में नहाना हो जाते हैं, हैं। और जो ठाकुर जी को रोज इसी महीना में ठाकुर जी को धूप दीप से ठाकुर जी को सुंदर करके रोज ठाकुर जी को आरती उतारनी चाहिए। और इसी महीना में कहते प्रत्यह जरूर किसी गुरु वैष्णव साधुओं को भजन करानी चाहिए, इसका बड़ा महत्व है, हैं बड़ा महत्व। कहते रोज रोज एक एक वैष्णव को भजन कराओ, अगर एक दिन कर सकते तो अच्छी बात, अगर नहीं हो सकता है एक दिन में कुछ वैष्णव घर में बुला लिया बस उनको भोजन करा दिया तो क्या हुआ, रोज रोज भोजन करने का फल भी प्राप्त हो जाती है। लेकिन इसी महीना में साधु गुरु वैष्णव की सेवा करने का बड़ा महत्व है, इसलिए आप विशेष करके इसी महीना में जो भगवान के लिए थोड़ी सी करो ना, ठाकुर के अंदर में एक विशेष गुण, क्या गुण है, बोले गुण अब गुण प्रभु देखो ना,
भगवान की किसी अवगुण का प्रति भगवान की कभी नजर नहीं जाता है। आप जो थोड़ी सी अच्छे काम करोगे ना इसी महीना में, ठाकुर जी वही चीज को देख करके, ठाकुर जी क्या करते हैं, छोटी सेवा को ठाकुर जी बड़ा मान लेते हैं, छोटी सेवा को ठाकुर जी बड़े मान लेते हैं। इसलिए शंकर जी पार्वती को इस बात बता रहे हैं। हाँ, भगवान स्वयं श्री नारद जी को, नारद जी फिर व्यास, व्यास सुखदेव, सुखदेव श्री सुतो को, स्वामी सुतो और श्री स्वर्णगादि ऋषियों को ये अधिक महीना की महिमा उन्होंने बहुत कुछ बताया। इसलिए ये महीना में थोड़ी सी अगर कोई भगवान के लिए, पुरुषोत्तम के लिए ठीक, अगर थोड़ी सी कुछ करे तो ठाकुर जी उसके लिए बहुत कुछ कर देते हैं। बोले श्री पुरुषोत्तम मास की जय, जय बोले जय जगन्नाथ महाप्रभु की, जय बोले श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र की, जय निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि।